आपके सामने पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में किस नए प्लेटफॉर्म का लॉन्च किया है? दिल्ली एट 2047, दिल्ली एट 2040, दिल्ली एट 2035, दिल्ली एट 2050। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें केजरीवाल ने दिल्ली एट 2047 प्लेटफॉर्म का लॉन्च किया है, जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट होगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली एट 2047 प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, जिसका मकसद इंडस्ट्री और अलग अलग संगठनों की साझेदारी बढ़ाना भी है दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, दिल्ली एट 2047 प्लेटफॉर्म का लॉन्च किया गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, इटली की लग्जरी ब्रांड बल्गोरी ने किस अभिनेत्री को वैश्विक ब्रांड अम्बेडसर नियुक्त किया है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, प्रियंका चोपड़ा को घोषित या नियुक्त किया गया है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इटली की लग्जरी ब्रांड बल्गेरी ने हाल ही में कहा है कि उसने एक्सट्रेट प्रियंका चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। जी हाँ दोस्तों, कंपनी ने कहा है कि प्रियंका चोपड़ा महिला सशक्तिकरण, विविधता और समावेश के मुद्दों पर ध्यान देने के साथ ही दुनिया भर में ब्रांड बढ़ाने के रोमान में हाई ज्वेलरी का सपोर्ट करेगी दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रियंका चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आपके सामने अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, 100% COVID-19 टीकाकरण करने वाला देश का पहला शहर निम्न में से कौन सा बन गया है? जी हाँ दोस्तों, 100% कम से कम टीकाकरण कर दिया है वो कौन सा देश है? वो देश है दोस्तों भुवनेश्वर देश है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भुवनेश्वर शहर में 100% COVID-19 का टीकाकरण हो चुका है संपूर्ण। हाँ, ओडिशा का भुवनेश्वर शहर 100% वैक्सीनेशन करने वाला पहला देश का शहर बन गया है दोस्तों, यानी यहाँ 18 साल के ज़्यादा उम्र वाले सभी लोगों को वैक्सीन के डोज लग चुके हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आपके सामने अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हॉल ही में किस प्रसिद्ध कथकला कलाकार का 81 वर्ष की उम्र में ही निधन हो गया है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नैनी योर्ड वासुवेदन नंबूदिरी का हाल ही में निधन हो गया दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें मशहूर कथकली कलाकार नैली योर्ड वसुवेदन नंबूदरी का 2 अगस्त 2021 को उनके घर पर ही निधन हो गया दोस्तों। वह 81 वर्ष के थे दोस्तों। कितने वर्ष के? 81 वर्ष के थे दोस्तों। कौन थे दोस्तों? नैली योर्ड वासुवेदन नंबूदिरी थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आपके सामने अगला क्वेश्चन फाइव क्वेश्चन, निम्न में से किस कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार पर रमी एवं पोकर जैसे ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को रद्द कर दिया गया है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, रमी और कौन सा गेम है? पोकर गेम है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, मद्रास उच्च न्यायालय ने इस कानून को रद्द कर दिया है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार द्वारा रमी एवं पोकर जैसे ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को रद्द कर दिया गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने हाल ही में देश के कितने विश्वविद्यालयों को फर्जी की श्रेणी में डाल दिया है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24 विश्वविद्यालयों को फर्जी श्रेणी में डाल दिया गया है दोस्तों। आपको बता दें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 2 अगस्त को जानकारी दी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने 2400 भू संस्थानों को फर्जी घोषित किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के सदस्य राष्ट्रों ने COVID-19 महामारी के कारण बढ़ते हुए कर्ज और आर्थिक गिरावट से निपटने में देशों की मदद करने हेतु कितने बिलियन डॉलर को मंजूरी दी है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 650 बिलियन डॉलर की मदद या मंजूरी दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के सदस्य राष्ट्रों ने COVID-19 महामारी के कारण बढ़ते कर्ज और आर्थिक गिरावट से निपटने में देशों की मदद करने हेतु 650 मिलियन डॉलर को मंजूरी दी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आपके सामने अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से दीजिएगा। हाल ही में किस देश ने विश्व प्रसिद्ध एंटी शिप मिसाइल हार्पून का ज्वाइंट कॉमन टेस्ट सेट JCTS भारत को देने का फैसला किया है? तो कौन से देश ने किया है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका देश ने हाल ही में मिसाइल हार्पून ज्वाइंट देने को बात कही है। अमेरिका ने, आपको बता दें, विश्व प्रसिद्ध एंटी शिप मिसाइल हार्पून का ज्वाइंट कॉमन टेस्ट JCTS भारत को देने का फैसला किया गया है। इसमें आपको बता दें, अमेरिका ने 82 मिलियन डॉलर, करीब 6,09,20,87,500 रुपये की एंटी शिप हार्पून मिसाइल डील को मंजूरी दे दी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9, किस बैंक ने दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना लॉन्च की है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, कौन से बैंक है जिसने दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना स्टार्ट की है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, HDFC बैंक ने यह योजना शुरू की है। आपको बता दें, HDFC बैंक CSP SPPV के साथ छोटे खुदरा विक्रेताओं के लिए ओवरड्राफ्ट सुविधा लॉन्च करने की घोषणा कर चुका है दोस्तों। आपको ये भी बता दें, HDFC बैंक का मुख्यालय मुंबई में है और HDFC बैंक के MD और CIO कौन है? शशिधर जगदीश सेन है दोस्तों। और HDFC बैंक की टैगलाइन क्या है? हम आपकी दुनिया को समझते हैं दोस्तों, ये इसकी टैगलाइन है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हारमोनियम देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, हारमोनियम देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, निकोल पाशिन्यान है जो आर्मेनियम देश के न्यू प्रधानमंत्री बने हैं दोस्तों। कौन है? निकोल पाशिन्यान। जी दोस्तों, आपको बता दें, निकोल पाशिन्यान आर्मेनियम देश के नए प्रधानमंत्री बने। आर्मेनियम देश के राष्ट्रपति आर्मेन सरकिसियन ने उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलवाई है दोस्तों। इसके साथ ही बेसिक नॉलेज के साथ, आर्मेनियम राजधानी का क्या नाम है? येरेवान है। और आर्मेनियम देश की मुद्रा का नाम है आर्मेनियाई दरम है दोस्तों। क्या है? आर्मेनियम दरम है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम हर कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हैं दोस्तों। वंदे मातरम।